अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, काफ़ी देर से पूज्य गुरुदेव जी के संबंध में संतों एवं भक्तों से सुन रहे हैं। और जितना सुने हैं ऐसा लगता है कि उसमें सारी बातें आ गई हैं। यद्यपि गुरुदेव जी का व्यक्तित्व तो इतना व्यापक है कि हम उन्हें बाहर से व्याख्यायित तो कर सकते हैं, लेकिन उनके अंतस के संबंध में समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि उनका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सब हम लोग देखते थे, लेकिन उनके अंतस की स्थिति कैसी थी, आंतरिक दशा कैसी थी, ये तो हमें महसूस ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है। और असली चीज उनका वही था। जैसे अन्यों ने भी कहा कि हमारा सौभाग्य रहा कि हम गुरुदेव जी के साथ कुछ समय बिताए, मैं इस मामले में अपने को भी सौभाग्यशाली ही मानता हूँ कि गुरुदेव जी के साथ मुझे रहने का अवसर मिला। और ये सच है कि आप लोगों के बीच यदि मैं आकर के कुछ सेवा कर पाता हूँ, कुछ संतों के विचारों को आप तक पहुँचा पाता हूँ, ये गुरुदेव जी के ही कारण है। न तो मैं कभी बोलना जानता था, न कहना जानता था, ये उनका इतना जोर होता था कि बोलें, ये उनकी विशेषता क्या बताऊं। उनके बारे में बोलूं तब तो पूरी बात ही वही होती रहेगी कि हमेशा वे चाहते थे कि मेरे साथ रहने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ें। वे ये भी कहते थे कि जो भी साधक आते हैं मैं उन पर अविश्वास नहीं करता, मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये पूरी ऊंचाई तक उठेगा। कितना कर पाता है कितना नहीं कर पाता ये उनका विषय है, लेकिन मैं हर साधक के प्रति विश्वास करता हूँ कि आगे बढ़ेगा। और इसी आशा और भरोसा के साथ वे साथी साधकों को, जब वे कोई लेख लिखते, जब कोई वो वक्तव्य देते या कोई वो समाज का ही काम करते, तो वो खुले रूप में उनकी प्रशंसा करते थे। प्रशंसा करने में कंजूसी नहीं करते थे, ये मैं देखा। कभी लेख लिखा तब भी, या और भी संत, जहाँ तक चूंकि मैं अपनी बात गुरुदेव जी के संबंध में कहूँ, औरों के लिए भी है, तो गुरुदेव जी ने उसको सराहा। और मैं जानता हूँ मेरे लेख का स्तर क्या था, लेकिन वे प्रशंसा करके आगे बढ़ाना चाहते थे। जब मैं कभी वक्तव्य देता तो बताते, और मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब कम से कम अब तो मुझे पता होता था, उस समय मेरे बोलने की क्षमता क्या थी, लिखने की क्षमता क्या थी, लेकिन फिर भी गुरुदेव जी उन विचारों को प्रशंसा देते रहे। और ये भी सच है, समय पड़ने पर वे सुझाव देते थे और डांटते भी थे। अभी सुने ना, बहुत प्रेम करते थे, वो करते थे। द्वारका जी बोल रहे थे कि जब मैं उनके पास अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया तो वे मुझे गले से लगा लिए। मैं तो समझता हूँ गुरु द्वारका जी उनके प्रिय शिष्यों में से थे, लेकिन फिर भी दूर रहते थे, कभी कभी मिलते थे, और हम लोग अंग संग लगे हुए थे।
वो चाहे वो यात्रा में होते थे, आश्रम में होते थे, कहीं भी, दिन में तो कितनी बार मिलना हो जाता था, कई काम ऐसे होते थे। और उस बीच निश्चित रूप से हम लोगों के ही कुछ व्यक्तिगत समस्याएं, कुछ सामाजिक बातें होती थी, क्योंकि जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ पर समस्याएं आ ही जाती हैं। और मैं एक दिन सत्संग में यहाँ कहा भी था, समस्या रहित जीवन होता ही नहीं किसी का, समस्या रहित जीवन होता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम तो घर गृहस्थी में हैं इसलिए हमारे जीवन में समस्या बहुत है, ये बातें हैं। हमने कहा, मैं कई बार कहता हूँ, एक घर गृहस्थी भर मत कहो, आप मनुष्य हैं ना, परिवार में रहते हैं बस होगा ही, हम लोग भी मनुष्य हैं, हम लोग भी मनुष्यों के बीच रहते हैं, रूप बदल जाता है बातें वही होती हैं, रूप बदल जाता है बातें वही होती हैं। और यहाँ बैठे बहुत से लोग, भक्त लोग जानते हैं कि जिस प्रकार गृहस्थों में परस्पर कुछ संघर्ष होता है, मैं समझता हूँ साधुओं का संघर्ष कम नहीं है। मैं कोई असम्मान के भाव से नहीं कह रहा हूँ, कोई मैं किसी के दिल दुखाने के भाव से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं, मेरा दिल जानता है कि वहाँ की स्थिति कैसी होती है। और उस परिस्थिति में जब हम अपनी समस्या लेके गुरुदेव जी के पास जाते थे और फिर कई बार प्रेम से समझाते थे, कई बार डांटते भी थे, ये मुझे याद है। एक बार की बात, इलाहाबाद में ही था, जो हम लोग की मैनेजिंग बॉडी, चूँकि मैं तो उसका सदस्य ही था, मैनेजिंग बॉडी का खास सदस्यों में से था, तो मुझे एक आभास हुआ कि वहाँ मीटिंग होने वाली है, और मैं थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील कर रहा था, काहे कि फिर मीटिंग क्या होने वाला है। तो सुबह सुबह सत्संग का समय था, गुरुदेव जी का सभा में आने का समय बाकी था, और मैं वहाँ से आ गया, कक्ष में गया, और मेरे लिए कम से कम, और भी लोगों के लिए, लेकिन खास करके मेरे लिए गुरुदेव जी के कक्ष में जाने के लिए कभी भी रोक नहीं होती थी, एनी टाइम, मतलब वो कोई भी चाहे वो लिखते हो, पढ़ते हो, यहाँ तक के वो नींद में भी होते थे, यहाँ तक के भोजन भी कर रहे हो, तो मैं जा करके मिल सकता था। तो वो गया, बैठे थे, मैंने यूं ही पूछा, काहे के लिए कोई वार्ता होने वाली है, बस इतना ही कहना था। गुरुदेव जी कहते, अच्छा बताओ, तुम जो प्रवचन करते हो ये केवल दूसरों के लिए करते हो कि अपने लिए भी करते हो? समझ रहे हो ना वाक्य? आप में से कोई कहता ना तो मैं जवाब दे सकता था, और है कि नहीं मेरे पास उत्तर, सभी जानते हैं। क्या कहा उन्होंने, तुम जो प्रवचन करते हो ये केवल दूसरों के लिए करते हैं कि तुम अपने लिए भी करते हो? मैं बोल सकता था उस समय, बोलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, मैं केवल उनका चेहरा ही देखता रहा बस। तो जोर से कहे थे, लेकिन जब देखता ही रह गया तो वो फिर सरलता से समझाने लगे, बेटा इसी इसी बात है, ये है। मैंने कहा, बताइए गुरु जी मैं क्या करूँ? फिर बहुत सरलता से, स्नेहपूर्वक मुझे अपनी बातें वो कहे। तो एक बात मैंने कही, ऐसे ही कई बार जब जानते हैं सभी लोग, गुरुदेव जी के प्रवचन के पहले मुझे बोलना होता था मंच पर, और मैं मंच पर बोल रहा हूँ और उधर से वो अपने निवास से मंच पर आ रहे हैं, तो हारने तो लगे होते थे, और मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही थी, और वहाँ से चलते चलते मेरे विचार सुन रहे हैं, और कई बार तो जहाँ निवास में भी उनकी आवाज़ जाती रहती थी, जहाँ पर निवास है वहाँ हारने ऊपर तक लगे हैं, सारी बातें वो सुन लेते थे। और कभी कभी ये उन्होंने कहा, क्या बोल रहे थे तुम, क्या बोल रहे थे, या क्या इसको बोलने की क्या जरूरत है, ऐसा क्यों बोल रहे थे? अच्छा मैं एक बात बताऊं, मुझे उन्होंने डांटा, शायद ही कोई जानता है, नहीं जानते साधु समाज के लोग भी नहीं जानते हैं, आप लोगों को क्या बताऊं। साधु समाज में भी लोगों में मन था कि जब इनको तो कभी डांटते ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कब डांट मिलती थी। लेकिन आज मैं याद करता हूं
शायद ये डांट मेरे लिए अमृत रहे। एक और ख्याल आया, न जाने कितने संस्मरण हैं उनके। साथ में इलाहाबाद से एक जगह है कस्बा खागा, फतेहपुर जिला में है, तो सुबह सुबह वहाँ जाना था। तो जो गाड़ी लेकर के लेने के लिए आने वाले थे वो काफ़ी देर कर दिए, फिर भी गाड़ी आई, बैठे सुबह सुबह। तो रोड किनारे सब्जी मंडी है, तो जब गाड़ी हमारी आगे बढ़ी तो गुरुदेव जी ड्राइवर बैठे और गुरुदेव जी, फिर मैं बैठा, फिर गुरुदेव जी। ऐसा होता है ना प्रायः, जब गाड़ी छोटी होती थी, जब गाड़ी में पर्याप्त जगह होती थी तो ड्राइवर के बाजू में गुरुदेव जी अकेले बैठते थे, लेकिन जब कंजस्टेड होता था तो मैं चूंकि दुबला पतला शुरू से था तो मेरे लिए जगह बन जाती थी, वहाँ उनको भेज दो, तो साहब के साथ ही बैठने का अवसर लगता था। तो वो जो हार, कभी कभी आप देखें गाड़ी में जाने पर हार बेचने वाले आते हैं ना, हार ले लो ऐसा कहकर, फूल का माला, सुबह के टाइम था तो वो फूल के लिए लगा गया, फूल लेना बेचना है ऐसे कहकर, फूल ले लो, एकदम सामने आ करके टिक गया। अब मैं ये भी भूल गया कि मैं गुरुदेव जी के बाजू में बैठा हूँ और जोर से चिल्ला बैठा, नहीं लेना है फूल। अब बोल तो दिया, गुरुदेव जी कहते हैं, अब जोर से डांटे, इतना निर्दय नहीं बनना चाहिए, ऐसे कहा, इतना निर्दय नहीं बनना चाहिए, चुप चुप हो गया, क्या कहता। तो ये ऐसे ऐसे तो न जाने कितने बार ये बातें हुई हैं। कुल मिलाकर के वो जो पंक्ति सदगुरु कबीर ने कही है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। अंतर में सहारा दे करके बाहर से चोट करते थे। और शायद जो मजबूती आज कुछ भी है हमारे जीवन में हम लोगों के, ये उन्हीं के नाते है। एक ऐसे कलाकार थे, ऐसे कारीगर थे कि वे मनुष्यों को गढ़ना जानते थे। और मैं एक सच्ची घटना बताऊं, सच की घटना बताता हूं, आप सभी नाम लूंगा, सभी जानते हैं, लहर तारा के जो आचार्य उस समय थे, आचार्य उदित मुनि नाम साहेब। और मैं तो गुरुदेव जी के साथ उस आश्रम में भी गया, खरसिया में रात रुका था, बहुत पहले 91-92 की बात है शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो वो अलग विषय हुआ, जब इलाहाबाद एक बार उनका आना हुआ था, आचार्य साहब लहर तारा वाले का। और गुरुदेव जी का क्या बताऊँ, उनका सिस्टम इतना परफेक्ट होता था, टेक्निकल ढंग से हर चीज़ ना, कि बैठना उठना, यहाँ तक के भी बता रहे थे साहब जी कैसे करना है, कि तुम्हारा बिस्तर कैसे होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से वो करते थे। तो जब वो संत आए तो अपनी गद्दी उनके लिए छोड़ दिए थे कि वो बैठें और उनके विचार सुने। और पता नहीं, ख्याल तो नहीं आ रहा है इस समय, कई साल हो गए, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे कि 4 दिन, ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन रहे। लेकिन जब विदाई का समय हुआ तो सभी साधकों से कहा गया था कि सब लोग पूजा करना, चाहे जितना दे सको, सब दिए और गुरुदेव जी भी दिए। और फिर हुआ क्या जानते हैं, जब आरती की बारी आई तो उनको तो बैठाए थे गद्दी पर, आरती की बारी आई तो गुरुदेव जी खुद खड़े होकर के आरती करने लगे। और वो अपनी बूढ़ी आंखों से जब गौर करके देखे कि गुरुदेव जी आरती कर रहे हैं, वो अपनी गद्दी पर खड़े हो गए खड़े हो गए। और फिर क्या हुआ, कहा कि फिर गुरुदेव जी कहे बैठो, तब बैठूंगा। फिर गुरुदेव जी भी बैठे और आरती हुई। और जब सब कुछ उन्होंने देखा, साधुओं का रहन सहन, खान पियन, उठना बैठना, पाठ पूजा, सब कुछ, और पूरी भीड़ होती थी ना वहाँ तो संतों की। तो जब चलने लगे तो एक वाक्य उन्होंने कहा, और आप सभी जानते हैं लहर तारा में एक स्मारक का निर्माण में कितनी उन्होंने पूरी ऊर्जा लगा दी एक प्रकार से, और उन्हीं के प्रतिफल है जो वो बन पाया है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन में केवल पत्थर गढ़ते रह गया, आपने आदमी गढ़ा। क्या कहा, आपने आदमी गढ़ा। क्या उन्होंने सच कहा, आपको लगता है ना, उन्होंने सच कहा।
तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने कैसे हम लोगों को, या केवल साधु समाज की बात नहीं है, वो भक्तों की बात आती थी, भक्तों के लिए भी उतना ही वो करुणाशील थे, उतने ही सबके प्रति प्रेम लुटाने वाले थे। और कभी कभी जब कोई उनके विषय में प्रवचन में ये बोलते हैं कि गुरुदेव जी मेरे से बहुत प्रेम करते थे, और हर कोई कहता था, ऐसा लगता था कि सबसे ज़्यादा प्रेम मेरे से करते थे, और सबके प्रति उनका प्रेम था, लेकिन ऐसा लगता था कि सबसे ज़्यादा प्रेम मेरे से करते थे। एक बार की बात है, उधर एक आश्रम था, वहाँ एक जो पोटियाडी की जो साहब थी, सुशीला साहब बोली ऐसे ही। अब उसके बाद मेरा बोलने का नंबर आया, मैंने कहा कि अभी हम लोग सुन रहे थे गुरुदेव जी सबसे प्रेम करते थे। मैंने कहा, मैं सच बताऊं, गुरुदेव जी प्रेम करते ही नहीं थे। सब चौंकने, आश्चर्य एक नहीं है। मैंने कहा, गुरुदेव जी प्रेम करते ही नहीं थे, सच बताऊं तो। क्योंकि करने में क्या होता है, करने में होता है कि यह करूं कि ना करूं, सोचना पड़ता है। गुरुदेव जी प्रेम करते नहीं थे, गुरुदेव जी से प्रेम होता था। होने और करने में अंतर है, होने और करने में अंतर है। क्योंकि करने में सोचा और विचारा जाता है, होने में सोचा विचारा नहीं जाता, होता है। कैसे? जैसे एक पेड़ की छाया, पेड़ छाया देता नहीं है, पेड़ से छाया होती है। सही है ना? कोई अब पेड़ यदि छाया दे तो सोच विचार करके एक बेईमान और बदमाश आदमी आए, नहीं मुझे छाया नहीं देना है। सही है? एक अच्छा आदमी, हाँ घनी छाया कर दो, ऐसा तो है नहीं है। अब उनके उस छाया के नीचे चाहे एक ईमानदार आदमी आए, साधु आए, चोर आए, कोई भी आए, सबको छाया मिलेगी। इसी प्रकार से गुरुदेव जी के हृदय में प्रेम इतना भरा था और उनके हृदय से प्रेम इतना छलक रहा था कि वो किसी के लिए पक्ष और अपक्ष करते ही नहीं थे, उनसे प्रेम छलकता था। अब उनके पास में कोई भी आए, जैसे एक दिया, रात अंधेरे में दीपक जल रहा हो, दीपक जल रहा हो, लेकिन दीपक जल रहा है तो प्रकाश ही हो रहा है ना उससे। अब उस रास्ते से कोई गुजरे तो उसको प्रकाश मिलेगा, और न गुजरे तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब फिर भी प्रकाश हो रहा है। इसी प्रकार से जो गुरुदेव जी के सानिध्य में आए, उनके समीप आए, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंसान रहा हो अपने व्यक्तिगत रूप से, उनका प्रेम उनको मिला। क्यों? क्यों मैं कह रहा हूँ, ये सच कह रहा हूँ, क्योंकि उनके सानिध्य में आकर नास्तिक से नास्तिक भी संतुष्टि पाकर के जाते थे। ईश्वरवादी, जो बिल्कुल ही ईश्वरवादी थे, जो सब कुछ ईश्वर को समर्पित होते थे, उन्हें भी आके संतोष मिलता था, उन्हें भी आकर के संतोष मिलता था। और जो आत्मवादी थे, ब्रह्मवादी, कोई भी मत पंथ के हो, कोई भी, मैंने कहा ना, चाहे वो आस्तिक हो नास्तिक हो, आते थे, आकर के ऐसा नहीं लगता था हमें कुछ नहीं मिला यहाँ, ऐसा लगता था कि हम बहुत कुछ लेकर के जा रहे हैं। चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो कितना ही बड़े विद्वान पढ़े लिखे हो, मैं जानता हूँ कितनी बार उसी इलाहाबाद के विचार गोष्ठी में संचालन का भी अवसर, गुरुदेव जी तो कितनी बार मुझे ही कहते तुम्हें ही करना है, ऐसा करके अवसर आया कितनी बार किया, तो विद्वानों को देखा, और वो कोई सामान्य नहीं। वो वहाँ जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे, वहाँ के विभागाध्यक्ष, दर्शन विभागाध्यक्ष, दर्शन विभागाध्यक्ष, और न जाने कितने विद्वान आते थे और बोलते थे और ये महसूस करते थे। हम लोगों ने जो कबीर के बारे में स्थापना की है, जब स्वामी जी के, महाराज जी के विचारों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अभी बहुत कुछ बाकी है कबीर के विषय में समझना, बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत उथले स्तर पर अभी चर्चा की है कबीर की, लेकिन स्वामी जी ने चर्चा की ना कबीर के विषय में, वो बहुत कुछ है, बहुत समझना है अभी, बहुत समझना, ये महसूस करते थे, ये महसूस। अच्छा, विद्वता की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं मैं, उनके जीवन दृष्टि से भी, केवल देखो विद्वान तो और लोग भी हो सकते हैं,
लेकिन वैसा जीवन जीना ये बिल्कुल अलग चीज है। मैं एक चीज बताऊं, जब कोई कल्याण की बात कहता हो, मोक्ष और गति की बात, साधना की बात कह रहा हो, जैसे साधना की बात का मतलब है काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इन मनोविकारों को छोड़ करके ऊपर उठो, उससे ऊपर उठ जाओ और शांत और प्रसन्न मन वाला बनो, ऐसा मन हो जो पूर्ण शांत हो जाए, ऐसी व्याख्या हम पढ़ते भी हैं, ऐसी व्याख्या लोगों से सुनते हैं, लेकिन जब हम साधना करने बैठते हैं तो शांति और सुख का अनुभव तो दूर है, हमारे भीतर में दुख और अशांत का ही अनुभव होने लगता है। और बार बार प्रयत्न करके करने के बावजूद ऐसा लगता है कि शायद वो जो बातें व्याख्या की जा रही हैं मेरे बस की बात नहीं है, और ऐसा लगता है कि शायद मैं वैसा कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा लगता है। लेकिन जब गुरुदेव जी जैसे महापुरुष को देखते हैं तब आशा बंधती है, आशान्वित होते हैं। देखिए, केवल पढ़ करके, केवल सुन करके हमें प्रेरणा नहीं मिलती है, मैं सच बता रहा हूं। केवल पढ़ करके, केवल सुन करके हम प्रेरित होते हैं लेकिन कुछ दूर तक जाते हैं, लेकिन जो पढ़ा और सुना जा रहा है उसे कोई जी रहा है, इसे देख करके हम पूरी आशान्वित होते हैं और भरोसा करते हैं, जब कोई ये काम कर सकता है तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। ऐसे ही आदर्श की जरूरत होती है हमको अपने जीवन में, और गुरुदेव जी ने वो जीवन जी के दिखाया, वो जीवन जी के दिखाया कि जिनको देख करके हमें भी भरोसा होता है कि हम भी वो काम कर सकते हैं, और उन्हें भरोसा देकर वो भरोसा देते भी थे, वो देते थे। कई बार गुरुदेव जी कहते थे कि सामान्य लोग नहीं, सामान्य साधक नहीं, अच्छे साधक के मन में भी कई बार संदेह होता है कि विषय का त्याग तो हो सकता है शारीरिक रूप से, लेकिन विषय चिंतन मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन वो क्या कहते थे, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं कि विषय की पूर्ण निवृत्ति मन से भी होती है। अब ये जो आशावान वचन उनके होते थे वो साधक के लिए कितना बड़ा संबल होता था। साहब, इतना ऑथेंटिक, इतना एक विश्वासपूर्ण वचन किनके होते हैं? आप भी तो सुनते हैं प्रवचन, आप भी तो पढ़ते हैं, लेकिन जो ये आशा बंधती है, चाहे संतों के लिए, भक्तों के लिए, ये हम सब के लिए एक महासंबल का काम करता है, और हम वो जो प्रेरणा मिलती है ना, वो हमें आगे तक धकाती है। मैं कह रहा था गुरुदेव जी ने हम सबके जीवन में जो कुछ किया, और अभी जैसे भैया ने कहा कि वो चले तो गए, स्थूल रूप से तो उनका शरीर नहीं है, लेकिन आज भी हमारे बीच में उसी रूप में हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो वैचारिक जीवन है, उनका जो रहने का जीवन है, वो आज भी हम लोगों के बीच में है। क्योंकि जब गुरुदेव जी के होने के समय जब हम क्या उनसे लाभ लेते, उनसे सुन करके, उनकी पुस्तकें पढ़ करके यही तो लाभ लेते। कभी कभी जब गुरुदेव जी का शरीर जब कुछ समय हुआ था छूटे, तो कुछ लोग कहा करते थे कि जब उनके प्रवचन सुनते, जब उनके पुस्तक पढ़ते, तब उनको लगता था कि मिलते थे, कहते थे क्या बताएं, हमारा भाग्य ही ऐसा था कि हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। मैंने कहा आपका कहना सही है, फिर भी मैं कहता हूं कि दर्शन भले नहीं कर पाए, लेकिन दर्शन करके जो लाभ मिलता वो अभी भी ले सकते हैं। उनके विचार अभी भी हैं, उनके लेखनी अभी भी है, और उन्हीं के माध्यम से तब भी लाभ मिलता, अभी भी मिलता, अभी भी मिलता। ये गोरखपुर के एक विद्यालय के प्रिंसिपल 2012 में आए ध्यान शिविर में, मुझे याद है अच्छी तरह से, एक चौबे जी हैं, वहाँ पुस्तक बेचा करते हैं, उनका दुकान है पुस्तक की, और बहुत प्रेमी है, मैं तो हम लोग तो जाते ही रहते हैं उनके यहाँ, कई बार गुरुदेव जी का कार्यक्रम वो गोरखपुर में करवाए, और जब इस समय जो सीएम है ना उत्तर प्रदेश के,
योगी जी, उनके गुरुदेव जी, उनके जो गुरु जी थे आदित्यनाथ, इनका क्या नाम है? आदित्य, उनका नाम था अवैद्यनाथ। ओके, मैंने उनके दर्शन किए थे। तो अवैद्यनाथ को भी एक बार मंच पर उन्होंने बुलाया था, तो गुरुदेव जी का भी मंच एक साथ वहां बैठे थे, वहां बैठे थे। ये तो खैर अलग बात हुई। मैं ये कह रहा था कि वो जो चौबे जी थे उनको प्रिंसिपल ने कहा, देखिए ऐसा लगता है कि इस साल ध्यान शिविर में हम लोगों को चलना ही चाहिए। कि कैसे? नहीं, चलना ही है। कहा कि देखो, मेरे अंदर से आवाज आ रही है, बुद्ध ना 80 साल के उम्र में शरीर छोड़ दिए थे, अब मुझे तो डर लग रहा है कि हमको चलना ही चाहिए। ये बाद में बताया मुझे, ऐसा उन्होंने कहा, इस साल नहीं जाएंगे तो बहुत पछताएंगे। और उन्हें जोर दिया और वो आ गए ध्यान शिविर में। मैं सच बता रहा हूँ, ध्यान शिविर में आए, पूरा अटेंड किए, और सचमुच वो अगस्तम हुआ था और सितंबर में गुरुदेव जी का शरीर छूटा था, तो वो चले गए। बाद में उनको सूचना मिली, और फिर साल भर के या दो साल के बाद मुझे गोरखपुर जाना हुआ तो आए मिलने के लिए, क्योंकि मैं शिविर का भी संचालन करता था। अच्छा, संचालन करने के नाते कनेक्शन ज़्यादा हो जाता था मेरा लोगों से, वो जुड़ते थे, आते थे, तो आए। अब गए तो पता चला कि वो मेरा नाम बताया कि साहब आ रहे हैं, वो आ गए। कहा कि अच्छे बताइए, मैं गुरुदेव जी का दर्शन एक ही बार किया, अब बताइए, अब मुझे लग रहा है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, लेकिन गुरुदेव जी का शरीर नहीं रह गया, अब बताइए मैं अभागा हूँ कि सुभागा हूँ? ये उन्होंने प्रश्न किया। मैं दुर्भाग्य है मेरा कि सौभाग्य है ये? मैंने कहा दोनों है, ऐसे कहा दोनों है। सौभाग्य इस मामले में कि आपने दर्शन तो किए, कम से कम प्रत्यक्ष रूप से देखे तो उनके सानिध्य का लाभ लिए। हाँ, आप दुर्भाग्य कह सकते हैं कि ये सानिध्य आपको और लंबे समय तक मिलना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन आप घबराइए मत, उन्होंने वो सारी संपत्ति छोड़कर वो गए हैं, हमें कोई निर्धन बनाकर नहीं गए हैं, वो धनवान बनाकर गए हैं। वो क्या है? उनकी पुस्तकें और उनके विचार आज भी मौजूद हैं। ये बहुत देर तक जब उनको चर्चा हुई, उन्होंने कहा आप सही कहते हैं। मैं एक उदाहरण बताया कि आज हम सबको अवसर है उनसे प्रेरणा पाएं। और मैं बताऊं, जब जब आप उनसे जुड़ेंगे, चाहे YouTube के माध्यम से जुड़ें, चाहे साहित्य के माध्यम से जुड़ें, तो मानो आप उनसे कनेक्ट हो गए। जब आप पढ़ते हैं तो उनकी याद वो आपके भीतर समा जाते हैं, अलग नहीं रहते हैं, ऐसा लगता है उनके साथ साथ चल रहे हैं। जब उनके विचार पढ़ेंगे तो आप और वो अलग अलग होंगे, क्योंकि विचारों के प्रवाह में आप बह रहे हैं, इसका मतलब साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन जब भी कनेक्ट होंगे आप, तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी और आपके भीतर में नई ऊर्जा का संचार का अनुभव होगा। लेकिन न जुड़े तो क्या होगा? न जुड़े तो क्या होगा? वो कबीर साहब जी ने कहा है ना, जस पाहन भीतर लोहा, कैसे आया है कि नहीं, पारस पत्थर के बीच में यदि लोहा भी हो फिर भी स्पर्श न हो तो क्या होगा? सोना नहीं बनेगा, क्योंकि बीच में आवरण आ गया है, चाहे वो लोहे में जंग लगा हो या कुछ ऐसी परत आ गई हो, वही पारस पत्थर है और वही लोहा है, सोना हो जाना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। तो ये आवरण को हटाना है। हम सभी ये प्रयास करें। आज गुरुदेव जी 10 साल पूरे हो गए आज के दिन ही, तो आज 22 है, और आज से 10 साल पहले ही आज के दिन सुबह सुबह 26 तारीख की रात थी, 26 तारीख का 25 और 26 की रात थी ना, 25 का बीता और 26 की सुबह, वो रात 25 तारीख को ही रात में 8:30 बजे गुरुदेव जी से मेरी बात हुई थी फोन से। मैं भी अलग था, काफी देर तक बात हुई। ऐसा संजो कि गुरुदेव जी को आना था इधर खैरागढ़ तरफ, कोई विधायक था, आयोजन किए थे कार्यक्रम का,
और मैंने कहा कि मैं अमुक तारीख के बाद आ जाऊंगा इलाहाबाद। कहे गुरुदेव जी, कहे नहीं मत आना अभी, मैं खुद आने वाला हूँ छत्तीसगढ़ और तुम वहाँ मिलना। ठीक है, उधर आना ही है मुझे, तो तुम वहाँ मिलना। तो उधर कार्यक्रम में मुझे भी जाना था और मुझे ऐसा लग रहा था कि साहब के यहाँ सत्संग, जैसे बताया ना साहब का पूज्य श्री धर्मेंद्र साहब जी का सत्संग चल रहा था, वो भी जाते उसी कार्यक्रम में, मुझे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मेरे के लिए तो स्पष्ट उन्होंने कहा भी था शायद साहब भी जाते। तो अब उनकी उस समय स्वास्थ्य दर्द हो रहा था, हाथ में दांत की भी तकलीफ थी, पीठ में भी था। तो डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ा सी रक्षा बचाना है। और काफ़ी देर तक बात हुई, और क्या फ़ोन किए थे, फ़ोन में क्या बात हुई थी, इतना कहा कि देखो मैं नहीं आ पाऊँगा उस कार्यक्रम में, क्योंकि अब एसी में टिकट बना हुआ है और ठंडा, मुझे यहाँ तो पंखा चलाता हूँ तो भी मुझे सूट नहीं कर रहा है। तो ऐसा करो कि तुम लोग उस कार्यक्रम को, साहब जी का भी नाम लिए, वो भी हैं, तुम भी हो, जा कर के उस कार्यक्रम को संपन्न कर लेना, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा गुरुदेव जी, आपका कार्यक्रम में आना और ना आना ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है आपका स्वास्थ्य, आप स्वस्थ रहें पहला काम है, फिर वो कार्यक्रम होगा ना होगा वो अलग विषय हुआ। इन्हीं बातों पर काफ़ी चर्चा हुई और फिर देवेंद्र साहब से भी बात हुई और भी कुछ बातें उन्होंने कही, ये सारी बातें हुई। और मुझे नीचे सत्संग में भी जाना था तो 8:30 के लगभग हो ही गया था, 8:30-9। फिर उसके बाद में सत्संग में नीचे गया, आया, सो गया, रात में सो गया। और सुबह ही करीब 4:30 बजे मैं बाथरूम गया था टॉयलेट में, और इतने में मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। ये 26 तारीख की बात बता रहा हूँ, जो हम तिथि के हिसाब से आज की सुबह, तिथि के हिसाब से आज की सुबह तो वो हुई। घंटी बजी और एक बार दो बार मैंने कहा कि इतनी सुबह तो घंटी बजती, मेरे फ़ोन बजता नहीं है। तो फिर जैसे ही बाहर निकला, हाथ धोया और फ़ोन देखा तो मेरे साथी का फ़ोन था, मैंने कॉल बैक किया, वो रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ, फिर वो बताए गुरुदेव जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये है वो है, अस्पताल ले गए हैं, ये सब बातें बताएं। मैंने कहा कि ये तो बड़ा, अभी तो रात में बात हुई है, अब भी रात में, पिछली रात को बात हुई, अरे सुबह क्या कह रहे हो। फिर बातें हुई, फिर फ़ोन लगाए यहाँ साहेब जी के पास में से, फिर वहाँ से, यहाँ से साहेब कहे साहेब जी का शरीर नहीं रह गया है, इमीडिएट गाड़ी तय किए। और बताया ना भैया कि रायपुर उधर से गए, तो हम लोग, मैं भी उसी में रायपुर मिले और साथ साथ फिर गाड़ी से हम लोग इलाहाबाद गए थे और फिर आगे का कार्यक्रम जो होना था आगे संपन्न किए। तो ये एक स्मरण आया कि गुरुदेव जी के समीप हम लोगों का रहना हुआ और उनका जो लाभ मिला। लेकिन मैं ये समझता हूँ आज भी यदि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारूँ, उनके बताए रास्ते पर चलूँ, तो मैं समझता हूँ मैं भी अपना कल्याण कर सकता हूँ और कुछ समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। और मैं कई बार कहा, कई बार लोग बुलाते हैं, यहाँ ध्यान शिविर है, यहाँ ये है वो है, जाने का मन नहीं करता है। जब मैं आश्रम में रहता हूँ तो ऐसा लगता है यहाँ से कहीं ना जाऊँ, वहाँ पुस्तकें पढ़ता हूँ, शांत एकांत इतना अच्छा लगता है कि मैं कहीं ना जाऊँ। भक्तों के बीच आता हूँ आश्रम में, इधर गाँव में या आश्रमों में, तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा लगता है। चाहे मैं बिहार जाऊँ, चाहे मैं राजस्थान जाऊँ, चाहे छत्तीसगढ़ जाऊँ, किसी भी प्रांत में जाता हूँ, इतना अच्छा लगता है, इतने अच्छे लोग मिलते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ लोग बुलाते हैं, जाऊँ कुछ कहूँ और ऐसा करके यदि सेवा कर सकूँ, तो मैं समझता हूँ गुरुदेव जी का जो ऋण मेरे ऊपर है ना, उसको कुछ करूँ, कुछ अदा करूँ। क्योंकि गुरुदेव जी जीवन भर यही करते रहे, वे कहते थे कि मैं हठ नहीं करता, चाहूँ तो मैं भ्रमण ही करता रहूँ, न चाहूँ तो मैं आश्रम में स्थिर रहूँ, कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ अपने पूर्वजों को, बुद्ध जीवन भर भ्रमण करते रहे, कबीर जीवन भर भ्रमण करते रहे, तो जब तक शरीर, जब वो स्थिति न पहुंच जाए तब तक मैं भी लोगों के बीच जाऊंगा, समय से आश्रम में रहूंगा। और ये बात मुझे ख्याल आती है, तो देखते हैं जब तक हम भी सेवा कर सकें, गुरुदेव जी की बातों को आप लोगों के बीच पहुंचा सकें। मैं समझता हूं गुरुदेव जी ने जो हम लोगों पर जो भी उनकी कृपा, उनका अनुग्रह, उनके जो अनुग्रह है, उनका जो ऋण है, वो है एक असली ऋण, तो तब चुकेगा जब उनकी मना स्थिति के अनुरूप हमारी मना स्थिति हो जाए। मैं पहली बात बताऊं, उन्होंने केवल दो काम किया, बस 2 मिनट में खत्म करता हूं। उन्होंने केवल दो काम क्या क्या किया, खुद पर काम किया
और फिर दूसरा काम उनका था समाज के लिए, खुद के लिए काम किया और समाज के लिए क्या। और यही बहुत पुरानी पुराना ये सूत्र है, शास्त्र में आया है कि उद्देश्य क्या है जीवन का, क्या है उद्देश्य। उन्होंने क्या कहा, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा का मोक्ष जीवन का उद्देश्य है, जगत हिताय च, और जगत का हित, दो काम, अपना हित अपना कल्याण, फिर जगत के कल्याण में सहयोगी बनो, ये गुरुदेव जी ने किया। सबसे पहला काम है आत्म साधना। गुरुदेव जी कहा करते थे साधकों, खास करके हम लोगों से, प्रचारक मत बनो, साधक बनो। ये सूत्र आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। क्या कहते थे, साधक दो प्रकार के लोग होते हैं हर संप्रदाय में, हर संप्रदाय में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रचारक दूसरा साधक। प्रचारक का मतलब वे जिनको साधना से बहुत ताल्लुकात नहीं होता था, वे प्रचार करते थे उनके सिद्धांत के, उनके महापुरुष के, उनके किताब के, उनके विचारों का प्रचार हो, उनके लिए वो दौड़ते रहते थे, यहाँ वहाँ वहाँ वो करना ये करना, वो प्रचारी भी लगे रहते थे। साधना इतना प्रचार में लग जाते थे कि उनकी साधना छूटी जाती है। दूसरा वर्ग होता है साधक, साधक साधना करता है। उन्होंने कहा साधना से प्रचार निकले, प्रचार से साधना नहीं होती है। क्या कहा उन्होंने, साधना से प्रचार निकले, तुम साधना करो और साधना करते करते जो प्रचार हो जाए हो जाए। कोई प्रचार का ठेकेदारी और जिम्मेदारी नहीं है। गुरुदेव जी कहते थे मैं पुस्तक लिखने के लिए घर नहीं छोड़ा था, संस्था चलाने के लिए घर नहीं छोड़ा था, और साधु समाज का इस प्रकार संख्या बढ़ाने के लिए घर नहीं छोड़ा था, मैं आत्म साधना करने के लिए, आत्म शांति के लिए घर छोड़ा था। ये सब तो अपने आप हो गया, अपने आप आज सब छूट जाए। अब मैं वो सारी बातें संस्थानगत बताऊं कि कहां कहां उनके त्याग और कहां कहां वो ऊंचाई, आश्चर्य। जमीन इलाहाबाद में, कबीर नगर में जमीन कितनी खरीदे, हम लोग तो जानते ना वहीं रहते थे, कैसी जमीन खरीदी जाती थी, कैसे उस पर संघर्ष आता था बाजू वाले का। एक आदमी बाजू वाला आया, जमीन उनके नाम वाले उनके कब्जे में था, वो हमारे नाम संस्थक नाम में, संस्थक जो कब्जे में था वो उनके नाम में, लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं, एकदम जिद्दी। अब वो उनको बुलाया गया, भैया हम अपनी आपकी जमीन छोड़ देते हैं, आप हमारी जमीन छोड़ दे, हमारी जमीन सड़क किनारे, वो मानने को तैयार नहीं। आया और वहीं अशोक पेड़ के पास हम लोग खड़े थे, साहब जी भी, श्रीधरबेन साहब जी, मैं और दो चार और साथ सब खड़े थे, बोले। और वो आदमी को तो कोई डर था नहीं, वो चिल्लाया हम लोगों के ऊपर। अब गुरुदेव जी मना करते हैं, मत बोलो उनसे, कुछ मत कहो, ठीक है। तो चिल्लाया तो हम लोग की सिट्टी पिट्टी कम हो गई, अब कैसे बोले उनके सामने, हम लोग तो चिल्ला नहीं सकते थे उनके लिए, चुप। गुरुदेव जी वहीं से सुन रहे थे, वो चले गए। आए हम लोग मुंह लटका कर गुरुदेव जी के सामने, क्या हुआ क्या कहते हैं ऐसे चिल्लाए, मैंने पहले ही कहा था मत बोलो। उन्होंने कहा वो अपनी जमीन ले ले और वो हमारी भी जमीन ले ले, लेकिन मैं जमीन की लड़ाई नहीं करूंगा। ये उनका वाक्य, क्या कहा उन्होंने, अपनी जमीन तो ले ही ले और हमारे नाम से जमीन है उसको भी वो ले ले, लेकिन मैं जमीन के लिए लड़ाई नहीं करूंगा। जिस शांति के लिए मैं आया हूं उसे मैं नहीं कहूंगा इस जमीन को लेकर के। बाद में जमीन को लिखाए भी, वो भी हमको मिल गई, सब कुछ हो गया होने के लिए, लेकिन एक गुरुदेव जी के वाक्य में बता रहा हूं, मैं खुद रहा सामने। और एक जमीन और वहीं एक बाउंड्री वाल हो रही थी, तो बाजू वाले जमीन लिए थे उसमें एक बाउंड्री करनी थी, तो उन्होंने कहा कि बाजू वाले एक बुला लो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि मेढ़ी गाँव में ऐसी बन जाती ना, मेढ़ी तो भाई एकदम सीधी बनती नहीं थी। उन्होंने कहा कि आए, उन्होंने कहा एक काम करो, हम इस दीवार को सीधी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ जमीन आपकी कटेगी, कुछ हमारी कटेगी, कुछ आपको मिलेगी, कुछ हमको मिलेगी, तो कुल मिलाकर के सीधी हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव जी ने क्या कहा, एक काम है, जहाँ जमीन हमारी आपके में चली जाएगी उसको तो छोड़ दो, आपकी जो भी जमीन, जितनी जमीन हमारे में आएगी उसका हम पैसा देंगे, हमारा मत देना। फिर से समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, स्पष्ट है ना, जब दीवार सीधी करेंगे तो हमारी जमीन भी आपके में जाएगी, कुछ जमीन आपकी हमारे में आएगी, लेकिन आपकी जमीन जो हमारे में आएगी उसका हम पूरा पेमेंट करेंगे, हमारी जमीन जो आपके में जाएगी उसका पैसा देने की जरूरत आपको नहीं है।
और हुआ यही, हुआ यही, मुझे ख्याल है शायद 17,000 कितना देना पड़ा था उनको, वहाँ से भोंगरी पैसा नहीं मिला था। वो देने के मूड में ही नहीं थे और दीवार सीधी बन गई। ये एक उदाहरण, मैं इतना तो न जाने कितने उदाहरण ऐसे ऐसे हैं इस त्याग के, कितने उदाहरण हैं, एक दो बताया जो व्यवहारिक था। तो वो व्यवहार में जो भी उनको उपलब्धि मिली थी भौतिक, उन सारी भौतिक उपलब्धियों को त्याग करने के लिए कभी भी तैयार हो जाते थे जब उनकी आत्मशांति भंग होने की संभावना होती थी। यहाँ तक के आश्रम को भी छोड़ देने के लिए वो राजी हो जाते थे, मैं नहीं रहूँगा यदि अशांति का अवतरण बना तो। आज मैं कह रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ, लेकिन सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन आत्म साधना को मैं नहीं त्यागूंगा। ये आत्मबल था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव जी ने जो जीवन जिया, हम लोग देखे भी हैं, जानते भी हैं। पहले बचपन में सुने ही सुनते थे, सुनते क्या था, नाम ही नहीं सुने थे उनका, सही बात है। पहली बार तो वहीं बालोद में एक मास्टर लोग करवाए थे, एक बेसिक शाला में पहली बार उनके दर्शन हुए, क्या बताऊँ मैं, प्रथम प्रथम। उसके पहले साहित्य गुरुदेव जी के मुझे मिल गए थे, पढ़ लिया था मैं, और उनके प्रति एक लगाव सा हो गया था। बहरहाल ये हुआ, तो आज हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके इस पुण्य स्मृति के अवसर पर आप सभी आएँ। मैं एक मिनट का केवल समय लेता हूँ और आप सभी से भी निवेदन करता हूँ कि एक मिनट के लिए सभी लोग आंखें बंद करें, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करें, और जो भी उनके संबंध में आपके संस्मरण है उनके साथ एक मिनट, दो मिनट, दस मिनट, जितने भी दिन बिताए हैं और जो उस समय आपकी फीलिंग्स थी, जो आप महसूस किए थे, चाहे उनके दर्शन न भी हुए हों, उनके विचारों को सुनकर, उनकी पुस्तकों को पढ़ करके, उनसे जो कनेक्टिविटी हुई है, आज इस एक मिनट में उनकी इस पुण्य स्मृति के अवसर पर पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनकी याद में डूब जाएं। मैं फिर से जय बोलूँगा और ये मौन सभा समाप्त होगी। गुरुदेव जी के सानिध्य में उसके समीप बैठकर जो वार्ता हुई, उनके दर्शन लाभ मिले, उनके विचार पढ़े सुने, और जो मन में भाव जगा, जो पवित्र भाव जगा, उनके प्रति आभार और कृतज्ञता का भाव जगा, और एक संकल्प भाव जगा कि हे गुरुदेव, आपके बताए रास्ते पर चलूँगा और अपने जीवन को कल्याणमय बनाऊंगा। उस भाव को मजबूत करें, उस संकल्प को मजबूत करें और महसूस करें कि गुरुदेव जी की साक्षित्व में आज मानो वो मुझे देख रहे हों, मेरी भावनाओं को पढ़ रहे हों, मेरे विचारों को सुन रहे हों, और जो मैं संकल्प ले रहा हूँ उनका वो साक्षी हैं, और इसी उनको साक्षी बना करके मैं आगे बढ़ने का संकल्प लेता हूँ। मौन और शांत होते चले जाएं, पूर्ण मौन, पूर्ण शांत, सभी गहरी शांति का अनुभव करते हैं। शांत अंदर से, पूर्ण सन्नाटा, शांत। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की, साहेब बंदगी, साहेब। बोलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की जय। भोजन तैयार है, भोजन के पूर्व हम सब भक्तों के, संतों के,
पूज्य साहेब जी के द्वारा सद्गुरु के जीवन और दर्शन को सुन रहे थे, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम लोग संकल्प भी लिए हैं। और जीवन का कोई भरोसा नहीं कब तक रहे, इसलिए जिंदगी को आखिरी समझ करके सद्गुरु ने वही राह दिए हैं। ये जिंदगी को आखिरी समझना, आज का दिन मेरा अंतिम सह, अंतिम समझ करके सारी ममता को, मोह को, आसक्ति को दूर करो और जीवन रहेगा, कभी रोटी धोती छाया की कमी नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम कर्म पथ में चल रहे हैं, तो जितना ही हम अपने जिंदगी को संवारेंगे, गढ़ेंगे त्याग में, उतना ही हमको शांति मिलेगी। तो सद्गुरु के जीवन और दर्शन को हम लोग स्वीकार करके अपना जीवन को बनाने के जो संकल्प लिए हैं, वह संकल्प हर क्षण याद रहे और सारे राग द्वेष सब कुछ को समाप्त करके, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, आजकल में इस शरीर समाप्त होने ही वाला है, इस प्रकार से भावना बना करके हम लोग यहाँ से चलेंगे। भोजन के लिए यहाँ पर तैयारी है।